ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा और आप लोगों का जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। चूंकि ये एक मरतबा किसी एमसीक्यू में आया हुआ था, एग्ज़ाम के एमसीक्यू में आया हुआ था, पता नहीं ईटा था, आर्मी वाला था, कोई और था, कि रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है। तो चूंकि क्लास में तो हम आमतौर पर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, हम पूछ लेते हैं, एक ख़ास किस्म का माहौल होता है, लेकिन वो अभी माहौल ऐसा है ही नहीं। हम डायरेक्ट फिर पूछ लेते हैं, हम भी आपको जवाब भी दे लेते हैं। तो इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ कि कहीं पूछा गया कि रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, तो पुराने बुक्स में इन्होंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ था और वो था रेस कंटिन्यूएशन, रेस कंटिन्यूएशन। और मैं रेस जो है ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, और ये रेस उस रेस को नहीं कहते कि रेस लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं, नहीं, उसको हम नहीं लगा, उसको नहीं कहते। इस रेस का मतलब होता है नस्ल। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, एक ही फ़ायदा है, रेस कंटिन्यूएशन, यानी इसमें हम और आप लोग नस्ल को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका फ़ायदा ये होता है। लेकिन अगर आप लोग आपके कोर्स में देख ले तो इन्होंने जो रिप्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ है, अगर आप लोग इसको रीडिंग दे दे तो वहां पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही चीज डिस्क्राइब की हुई है कि रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है, लेकिन उन्होंने लफ्ज ये इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, लफ्ज इन्होंने कोई और इस्तेमाल किया हुआ है, और उनको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं फिर किसी और जगह पर एमसीक्यू के अंदर पूछा गया, इन दो ऑप्शन में से कोई भी एक हो, इसका मतलब भी एक होता है, और आप लोगों का ऑप्शन जो होगा यही फिर ठीक होगा, सर्वाइवल ऑफ ए स्पीशीज वन। चूंकि हमारा और आप लोगों का जो कोर्स है सेकंड ईयर की जो कोर्स है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रोडक्शन है ये भी ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है, किसी और के अंदर हम और आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, ह्यूमन्स के अंदर ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज या रेस कंटिन्यूएशन कैसे होता है, इन्हीं के अंदर हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए जो सिस्टम रिस्पांसिबल है, इसको हम और आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम और आप लोग इसको कहते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, चूंकि दो तरह के सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, एक मेल है एक फीमेल है, इसलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम फिर दो तरह का पढ़ेंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जबकि दूसरे को फिर हम और आप लोग फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम और आप लोग इसको कहेंगे, और इसी ही को हम और आप लोग डिस्कस भी करेंगे। चाहिए ये था कि हम और आप लोग इस चैप्टर में ये डिस्कस करते रिप्रोडक्शन में कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज कैसे होता है, रेस कंटिन्यूएशन कैसे होता है, लेकिन हम और आप लोगों ने हम और आप लोग उधर नहीं जाएंगे। आपके कोर्स में इन्होंने जिस चीज़ को डिस्क्राइब किया हुआ है वो ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये फिर कैसे होता है। तो सेपरेट सेपरेट हम और आप लोग इन सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे, बजाय ये कि रेस कंटिन्यूएशन या सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज कैसे होता है, इनको हम और आप लोग डिस्कस कर लें। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपके कोर्स के अंदर इन्होंने कुछ और तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, फिर इसके बाद फौरन फीमेल वाला है, फिर मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, फिर फीमेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, फिर मेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनफर्टिलिटी को कास्ट करते हैं, फीमेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनफर्टिलिटी को कास्ट करते हैं। हम और आप लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम और आप लोग फॉर एग्जाम्पल अगर हम और आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम और आप लोग शुरू कर लेंगे तो फिर इसको हम और आप लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे आखिर तक, इनफर्टिलिटी तक पूरा का पूरा एक ही टॉपिक हमारा होगा। इसी तरह से हम और आप लोग फिर फीमेल को भी हम और आप लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मेल है और जो फीमेल है, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस भी हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, आमतौर पे ईटा के अंदर पूछा भी जाता है, उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लोग एक सेपरेट पेज के ऊपर, यानी एक सेपरेट पेज के ऊपर आप लोग एक लाइन लगा दे, खुद ही लगा दे, जहाँ पे आपको पता चले मेरे लेक्चर के दौरान कि ये मेल और फीमेल में बेसिक डिफरेंस है, तो उन पॉइंट्स को आप लोग सेपरेट लिखते जाए, हो सकता है किसी जगह पे आप लोगों के ये काम आ जाए कि इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंशिएट करता है। तो उन पॉइंट्स को अगर आप लोग आखिर में सबको काउंट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हमारे साथ बन जाएंगे, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जाए। अभी हम और आप लोग जिस सिस्टम को हम और आप लोग शुरू कर रहे हैं वो कोई और नहीं है, वो मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसी ही को हम और आप लोग शुरू करेंगे। फिर इसके बाद हम और आप लोग फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनको फिर हम और आप लोग डिस्कस कर लेंगे। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अव्वल बात तो ये है कि इसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। कहीं पूछा गया, फौरन आप लोगों ने इसका आंसर देना है, फोर। और जो फोर होते हैं इनमें से जो एक है इसको हम और आप लोग टेस्टिस कहते हैं, जो दूसरा है इसको हम और आप लोग डक्ट्स कहते हैं, जो तीसरा है इसको हम और आप लोग ग्लैंड्स कहते हैं, जबकि जो चौथा है इसको हम और आप लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए आपके बुक ने एक सादा लफ्ज जिसको हम और आप लोग पिनस भी कहते हैं ये भी इस्तेमाल किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इनके अंदर ये चार कंपोनेंट जो हैं ये फिर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दूसरे साइड पे जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे फाइव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से ओवरीज होते हैं, फेलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, सर्वेक्स होता है और इसके बाद में जाइना होता है। तो मेल और फीमेल में एक बेसिक डिफरेंस इनके कंपोनेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं इनको हम और आप लोग पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद वन बाय वन हम और आप लोग इसको ले लेंगे। ये जो टेस्टिस होते हैं नो डाउट ये मेल्स के अंदर दो होते हैं, अगर दो होते हैं तो फिर हम आमतौर पे हम इसको कहते हैं कि ये ए पेयर होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप इनके साथ ही लिख दें कि ये ए पेयर होते हैं, यानी ये दो ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो टेस्टिस होते हैं जो कि अपेयर होते हैं, दो होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी से आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। बुक ने जो खूबसूरत लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है वो ये है, इट हैंग्स फ्रॉम द बॉडी, यानी ये बॉडी से हैंग करते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं जो कि दो होते हैं आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होते हैं वहाँ पे जो टेस्टिस होते हैं जिनको हम और आप लोग फिर ओवरीज कहेंगे, वो भी ए पेयर होते हैं लेकिन वो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। तो मेल और फीमेल के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ डिफरेंस शेयर कर रहा हूँ, मैं बयान कर रहा हूँ, इसको आप लोग खुद ही उधर पर नोट करते जाएंगे, लास्ट पेज के ऊपर लाइन पर आप लोग कोई लगा देंगे मेल और फीमेल। एक डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ पे फोर कंपोनेंट्स होते हैं, फीमेल के अंदर फाइव कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये हुआ, मैं बार बार आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद ही समझ आनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे जो टेस्टिस होते हैं ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो टेस्टिस होते हैं जिसको हम आप लोग ओवरीज कहेंगे फीमेल के अंदर, वो इनसाइड द बॉडी जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। अब क्यों मेल्स में ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स के अंदर क्यों इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं? ये जो मेल्स होते हैं जो इनके अंदर टेस्टिस होते हैं, इसी ही के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो ह्यूमन बींग्स के बॉडी के टेम्परेचर से तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए होता है। तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर आप लोग इससे इसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर ले तो फिर ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाता है। इसलिए हम आमतौर पे कहते भी हैं कि जो मेल्स होते हैं इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। लेकिन ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट नहीं है, कोई और नहीं है, केल्विन वगैरह नहीं है, ये है ही तो फिर ये सेंटीग्रेड है। दूसरे साइड पर अगर आप लोग फीमेल्स के अंदर देख ले तो वहाँ पर जो ओजेनेसिस होता है वो भी ओवरीज के अंदर होता है, लेकिन जो ओजेनेसिस होता है क्योंकि ये ओवरीज के अंदर होता है और ओवरीज इनसाइड द बॉडी होते हैं तो इनसाइड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल्स के अंदर जो ओजेनेसिस होता है उनके लिए टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर जितने चाहिए होता है। तो मेल और फीमेल में जो तीसरा डिफरेंस है, जो भी कोई डिफरेंस है, वो ये है कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर और फीमेल्स के अंदर ओजेनेसिस में टेम्परेचर, इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क होता है। ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मेल्स होते हैं इनमें जो टेस्टिस होते हैं जो कि आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उनके लिए टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, यानी कम होता है। तो फिर मुख्तलिफ किस्म के सवाल जहन में आ जाते हैं कि अगर आप लोग आजकल का मौसम देख लें तो टेम्परेचर जो होता है वो 39, 40, 41 तक पहुंच जाता है। तो क्या अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो क्या ये हाई टेम्परेचर ये मेल्स के टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सफ़र कर सकता है, ख़राब कर सकता है?
क्योंकि अगर इसने खराब किया तो जो मेल्स होगा वो फिर इनफर्टाइल हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा और अपनों का क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि क्या गर्मियों में मेल इनफर्टाइल हो जाते हैं? नेवर एवर, हरगिज ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अगर हम और अपनों सर्दियों में देख लें तो जो टेम्परेचर होता है वो जीरो पे आ जाता है, माइनस में चला जाता है। तो अगर इतना कम टेम्परेचर हो जाए तो क्या ये भी मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को कास कर सकते हैं? नेवर एवर। इन दोनों का आंसर क्या है? ये जो होम्योस्टेसिस चैप्टर, वहां पे आप लोगों ने थर्मो रेगुलेशन, तो जो टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है उसमें एक फेनोमिनन इन्वॉल्व है जिसको हम और आप लोग वाजो डायलेशन और वाजो कंस्ट्रिक्शन हम और आप लोग कहते हैं। तो जब हाइपरथर्मिया हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो इसमें जो वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, और ये इसलिए डायलेट हो जाते हैं कि फिर ज़्यादा ब्लड इधर पर आता है, और जो ज़्यादा ब्लड आता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को फिर लॉस कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपरथर्मिया में, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो फिर वाजो डायलेशन होता है, वाजो डायलेशन में फिर जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है इनको फिर लॉस किया जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है, बहुत ही आसान है, कि जब सर्दियों का मौसम हो जाए तो जो वेसल्स होते हैं इनमें फिर कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है, और जब वेसल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो तो फिर हम और आप लोग इसको वाजो कंस्ट्रिक्शन हम और आप लोग इसको कहते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को रिटेन करता है, वो लॉस नहीं करता, तब जाके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ओवर ड्राप नहीं होता बल्कि वो रिटेन ही होता है। इसलिए अगर आप लोग गर्मियों के मौसम में भी देख लें, जो स्किन होती है, जो वेसल्स होते हैं, ये आमतौर पर डायलेट होना शुरू हो जाते हैं। आपको फील भी ऐसा होता है कि ये रिलैक्स होते हैं, लेकिन अगर आप लोग सर्दियों में देख लें तो इनमें फिर ये कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है, और कंस्ट्रिक्शन की वजह से आमतौर पर जो स्किन होती है वहाँ पर वो दरार से भी पड़ जाते हैं, वो लाइन से भी लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए फिर हम और आप लोग कोल्ड क्रीम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो जो स्किन होता है वो उनमें वो जो रैशेज वगैरह होते हैं, जो लाइंस वगैरह होते हैं, ये फिर ना आ जाए। इसी तरह से जो टेस्टिस होते हैं ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं खुद ही, ये नेचुरल उसके अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट है। किस मैकेनिज्म के थ्रू? वाजो डायलेशन एंड वाजो कंस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेल्स होते हैं ना वो गर्मियों के मौसम में ना वो सर्दियों के मौसम में वो हरगिज इनफर्टाइल नहीं होते, वहाँ पे हरगिज स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टॉप नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यू होता है। क्यों? कि जो टेस्टिस होते हैं वो जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए ये वाजो डायलेशन और वाजो कंस्ट्रिक्शन जैसे फेनामिनन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए, पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, ये पॉइंट बड़ा मज़ेदार है, लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि फिर सर्दियों में कौन सा प्रोसेस होगा? वाजो कंस्ट्रिक्शन। गर्मियों में कौन सा होगा? वाजो डायलेशन। तो कहीं पूछा गया कि अगर कहीं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो फिर टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर होगा उनको रेगुलेट करने के लिए कौन सा वाला फेनामिनन जो है ये फिर प्रेजेंट होगा? अगर आप लोग ह्यूमन बींग्स में इस ईयर को भी देख ले, ये एक खास किस्म के स्किन के अंदर बंद होता है। अगर आप लोग फिंगर्स को देख ले, स्किन के अंदर बंद है। आप लोग किसी भी आर्गन को देख ले, स्किन के अंदर ये बंद होता है। तो जो और आर्गन्स होते हैं जिस स्किन के अंदर ये बंद होते हैं उस स्किन को हम खास नाम नहीं देते, कि फिंगर्स जिस स्किन के अंदर बंद है इसको हम क्या नाम देंगे, ईयर जिस स्किन के अंदर बंद है उसको हम और आप लोग क्या नाम देंगे। लेकिन जो टेस्टिस होते हैं ये जिस स्किन के अंदर बंद होते हैं वो एक पाउच सा बना लेते हैं, वो एक सेक सा बना लेते हैं। उस पाउच को, उस सेक को जो कि स्किन का बना होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस बने हुए प्रेजेंट होते हैं, इसको हम आमतौर पे स्क्रोटम हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो अगर मैं उन दो टेस्टिस में से इनको ऐसे बनाऊं और बनाने के बाद कहीं अगर उस स्किन के अंदर में इसको बंद कर लूं, तो जिससे मैंने इसको बंद किया हुआ है इसके साथ मैं नाम लिखवा रहा हूं कि ये फिर हमारे साथ स्क्रोटम बन जाता है। सो ये दो टेस्टिस मैंने बना दिया है, स्क्रोटम को भी मैंने बना दिया है। अगर इनमें से आप लोग एक टेस्टिस को ले लें और आप लोग इसका सेक्शन काट दें, सेक्शन काटने से मेरा मतलब ये है वो लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो, इसको आप लोग काट दें, और काटने के बाद कहीं अगर आप लोग इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख ले तो इनके अंदर आप लोगों को कुछ और छोटे छोटे टेस्टिस जो होते हैं ये फिर नजर आते हैं। इन टेस्टिस को मेडिकल साइंस में हम कहते हैं सब टेस्टिस, लेकिन आपके बुक ने इसके लिए एक और खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, वो है लोब्यूल का। जो एक टेस्टिस होता है इसके अंदर ये जो लोब्यूल्स होते हैं ये 250 से लेके 300 तक होता है,
चूंकि टेस्टिस दो है, तो अगर हम आप लोग इसको दो से मल्टीप्लाई कर ले तो फिर ये 500 से लेके 600 तक इसका नंबर जो है ये फिर बन जाता है। लेकिन इधर ही आप लोगों के साथ एक और बात भी शेयर कर लूं, क्योंकि बार दफा ईटा में कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उन इजी एमसीक्यूज को फौरन गलत कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल आप लोगों को मैं दे देता हूं। अगर आप लोग पहला चैप्टर देख ले, लंग्स दो है, वहां पे एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई टोटल है कितने, 700 मिलियन है। तो कहीं एमसीक्यू के अंदर पूछा गया कि एक लंग के अंदर एल्वियोलाई कितने होते हैं, तो फिर तो ये 350 मिलियन हो जाएंगे। तो जब पूछा जा दोनों लंग्स के अंदर एल्वियोलाई बुक में दिए गए हैं, आप लोगों ने बार बार 700 मिलियन को पढ़ा हुआ होता है, पूछा जाता है एक के बारे में, उधर ऑप्शन में 700 मिलियन भी होता है और 350 मिलियन भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जल्दी में उस 700 मिलियन को टिक कर लेते हैं, बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा हुआ एक में आप ना जब और आप जवाब दे रहे हैं वो दोनों वाले का, क्योंकि आपने इसको बार बार पढ़ा हुआ होता है। लेकिन इधर ही आप लोगों के साथ एक और बात भी शेयर कर लो, वो ये है कि अगर आप लोग लंग्स में देख ले तो लंग्स दो है, लेकिन जो राइट वाला लंग है वो 56% है, जो लेफ्ट वाला है वो तो फिर 44% हुआ। ये तो कॉमन बात है, तो बार दफा स्पेसिफिक कर लेता है कि फिर राइट लंग में एल्वियोलाई कितने होंगे, आसान बात है 700 मिलियन दोनों के अंदर है, एक में कितना होगा जनरल, तो फिर दो के ऊपर डिवाइड कर ले। लेकिन अगर स्पेसिफिक किया कि राइट में कितना होगा, तो 700 मिलियन का 56% कितना बनता है, आप खुद ही आप इसको कैलकुलेट कर ले, क्योंकि आप लोग मेडिकल में जा रहे हैं और ये परसेंटेज वगैरह आप लोग खुद ही निकालेंगे कि कितना कितना परसेंटेज फिर आप लोगों का बनेगा। इसी तरह से 700 मिलियन एल्वियोलाई का 44% कितना बनता है, इतने एल्वियोलाई लेफ्ट के अंदर बनते हैं। तो कहीं जल्दी में आप लोग ये गलती ना कर ले। अगर हम और आप लोग दूसरे चैप्टर होम्योस्टेसिस के अंदर आ जाए, वहां पे इन्होंने नेफ्रान को एक किडनी के अंदर दिए हुए हैं, 1 मिलियन है, 10 लाख है, तो बार बार आप लोगों ने इस लफ्ज़ को पढ़ा हुआ होता है। उधर एमसीक्यूज के अंदर ये बात पूछी जाती है कि दोनों किडनीज में कितने होते हैं, तो फिर तो 2 मिलियन हुए ना, 20 लाख हुए ना, उधर ऑप्शन में 100 मिलियन भी होता है, 200 मिलियन भी होता है। आपने चूंकि बार बार 100 मिलियन के बारे में पढ़ा हुआ होता है, वो पूछता है दोनों के बारे में, तो फिर 200 मिलियन हो जाएंगे। गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आप लोग अपने कोर्स में देख ले तो एक टेस्टिस के अंदर ये सब टेस्टिस यानी लोब्यूल्स कितने होते हैं, 250 से लेके 300, तो टेस्टिस तो दो हैं, तो दोनों के बारे में आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि फिर ये कितने होंगे, तो फिर ये 500 से लेके 600 तक लोब्यूल्स जो होते हैं ये दोनों टेस्टिस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो एमसीक्यूज होते हैं ये बार दफा बहुत ईजी होते हैं, आसान होते हैं, लेकिन वहां पर वो जो वैल्यूज होते हैं वो ना ऐसे होते हैं कि आपको वो वाले जिसको आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ होता है वो जो एक या दो के अंदर होते हैं, अगर एक के अंदर है फिर आपसे दोनों के बारे में पूछा जाता है, अगर दो के अंदर है फिर आपसे एक के बारे में पूछा जाता है, तब जाके आप लोग कहीं ये गलती ना कर ले। अगर हम और आप लोग इनसे एक लोब्यूल को हम और आप लोग निकाल दे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये एक लोब्यूल है और हम और आप लोग इसको निकाल दे, निकालने के बाद अगर हम और आप लोग इसको मैग्नीफाई कर ले, तो अंडरस्टूड बात है जो एक लोब्यूल होगा वो तो सब टेस्टिस है, वो तो टेस्टिस की तरह होता है लेकिन साइज छोटा होता है, तो फिर ये हमें ऐसे दिखाई देगा। अगर हम और आप लोग इस लोब्यूल का सेक्शन काट दे, सेक्शन से मेरा मतलब यह है कि अगर हम और आप लोग इसका फिर ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप लोग काट दे, तो इसके अंदर आप लोगों को दो चीजें नजर आएंगी जिसको मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, इनके साथ में लिखवा रहा हूं, ये कोई और चीज नहीं है, ये सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं। जबकि जो दूसरी चीज प्रेजेंट होती है जिनको मैं इसके अंदर ग्रीन मार्कर से मैं इसको शो कर रहा हूं, वो कोई और चीज नहीं होती, वो इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं। और ये जो इंटरस्टीशियल सेल्स होते हैं इसका दूसरा नाम भी आपकी किताब के अंदर है और वो है लेडिन, लेकिन बाज दफा हम इसको लेडिक सेल्स भी हम इनको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सबटेस्टिस जो होता है, जो एक लोब्यूल होता है, इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, इनमें से एक को हम और आप लोग सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हम इसको कहते हैं, दूसरे को हम और आप लोग इंटरस्टिशियल सेल्स हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये जो सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं एक लोब्यूल के अंदर, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये जस्ट एक लोब्यूल है, एक लोब्यूल के अंदर ये 1 से लेके 4 तक होते हैं, यानी अगर आप लोग देख लें इसका नंबर फिक्स नहीं है, 1 to 4 होते हैं, एक से कम सेमेनिफेरियस ट्यूब्यूल्स एक लोब्यूल के अंदर नहीं होते, 4 से ज्यादा नहीं होते।
लेकिन जो मोस्टली जो बुक्स हैं जिनको ये डिस्कस करते हैं वो ये कहते हैं कि एक लोब्यूल के अंदर तकरीबन 3 यानी 3 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल जो होते हैं ना वो एवरेज के हिसाब से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बुक्स ये भी लिखते हैं कि एक टेस्टिस के अंदर ये जो लोब्यूल्स होते हैं ना वो भी तकरीबन 300 के हिसाब से एवरेज प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर एक टेस्टिस के अंदर ये 300 लोब्यूल्स हैं और हर एक लोब्यूल के अंदर ये 3 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हैं, तो फिर एक टेस्टिस के अंदर ये टोटल सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स कितने हो गए हैं? बहुत आसान है, 3 × 300, तो फिर ये 900 सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स जो है इसका नंबर एक टेस्टिस के अंदर बन जाता है। तो टेस्टिस तो 2 है, तो अगर हम आप लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो फिर ये 1800 हो जाएगा। और नो डाउट अगर आप लोग नोट्स देख ले, बुक्स देख ले, वो आमतौर पे यही कहते हैं कि एक मेल के दोनों टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो 1800 तक होते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग इनमें से एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल को वैसे निकाल दे और कहीं अगर आप लोग इसको देख ले तो वो ट्यूब्यूल है, लेकिन ये बहुत काइल्ड होता है, इनमें कन्वोल्यूशंस होते हैं, लूप्स होते हैं, लेकिन इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, तो नाम से जाहिर है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्यूब्यूल की तरह है, ट्यूब की तरह है, रबड़ के पाइप की तरह है। अगर इसमें से एक ट्यूब्यूल को मैं ले लूं और इसको मैं स्ट्रेट कर लूं तो फिर तो ये बिल्कुल ऐसे रबड़ के पाइप की तरह बन जाता है ना, ट्यूब्यूल है ना, इस तरह इसकी स्ट्रक्चर होगा। तो अगर आप लोग इसको लेंथ सॉरी अगर आप लोग इसको स्ट्रेट कर ले और स्ट्रेट करने के बाद कहीं अगर आप लोग इसकी लेंथ देख ले तो लिखते हैं कि जो एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल होता है उसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 75 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप लोग एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल निकाल दे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर एक के बाद आप इनको लगाते जाए, हर एक के बाद आप इसको लगाते जाए कि इसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी, तो अगर आप लोगों की इंटरेस्ट है आप लोग कर सकते हैं कि अगर एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल की लेंथ 75 सेंटीमीटर है, जो हमारे साथ टोटल सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स हैं वो 1800 है, तो 1800 × 75 सेंटीमीटर, तो फिर इसकी लेंथ कितनी बनेगी सेंटीमीटर में, अगर आप लोगों की इंटरेस्ट है आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग चाहे इसको आप लोग मीटर वगैरह में भी आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तब जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल की जो लेंथ है वो फिर कितनी बन जाती है। नंबर 2, उधर हम और आप लोग जाएंगे, ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये जो लेडिन या लेडिक सेल्स होते हैं, याद रख ले ये एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल है, फिर इसके साथ कोई और सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होगा, ये एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल और दूसरे सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के बीच में यानी कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट ना? ये ऐसे नहीं होता कि सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ना ना, एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल फिर दूसरा सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल, इनमें ये इंटरस्टिशियल सेल जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, इसको मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम और आप लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम इसको कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन क्या है, इनको हम और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को मेल्स के अंदर कंट्रोल करता है, ये बातें हम और आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। इसका मतलब कि इनको कौन सीक्रेट करता है, इसके लिए कोई और चीज नहीं है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं सारे इंटरस्टिशियल सेल्स जो होते हैं, लेडिन या लेडेक्सिल सेल्स जो होते हैं, ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन पहले भी ये बात शेयर कर ली, फिर भी बता देता हूं कि एमसीक्यूज में कहीं आप लोग गलती ना कर ले, इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम लेडिन या लेडिक सेल्स होते हैं, लेकिन बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम लेडिन या लेडिक सेल्स भी होते हैं। तो हमारी और आप लोगों की जी जिस चीज के ऊपर हम और आप लोग कंसंट्रेट करेंगे, जिनको हम और आप लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, वो सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल होगा। हम और आप लोग इन इंटरस्टिशियल सेल्स को हम मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट है जिसको एंड पे मैं आप लोगों को साथ शेयर कर लूंगा कि इनके लिए कौन से हार्मोन है और इनके लिए कौन से हार्मोन है, इसको हम और आप लोगों ने कुछ हद तक पढ़ा भी हुआ है, उनको हम और आप फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जिस चीज को हम और आप लोग डिटेल में जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स वन। अगर हम और आप लोग किसी एक सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल को हम और आप लोग ले ले, जैसे ये वाला है, इसको अगर हम और आप लोग ले ले और लेने के बाद अगर मैं इसको ऐसे शो कर लूं, जैसे मेरे हाथ के अंदर ये मार्कर है, ये कोई सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल है, और इस सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल का हम और आप लोग ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काट दे, ऐसे आप लोग इसको काट दे, और काटने के बाद अगर आप लोग इसको ऐसे काटे तो अंडरस्टूड बात, ये तो फिर आप लोगों को कुछ ऐसे नजर आएगा, ऐसे आप लोगों को नजर आएगा। और अगर आप लोगों को ये ऐसे नजर आ रहा है तो अगर मैं इसको बोट के ऊपर बनाऊं तो फिर ये आप लोगों को कैसे
नजर आना चाहिए, शाबाश है, वो इन चीजों को मैं फिर हटा देता हूं, इनको हमारे पास फिर आएंगे क्योंकि बोर्ड के ऊपर स्पेस कम है। तो अगर एक से मैंने फिर इस ट्रिब्यूल को मैं ले लूं और लेने के बाद कहीं अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बोर्ड के ऊपर बनाऊं तो फिर ये आप लोगों को कैसे नजर आना चाहिए? नो डाउट ये कुछ ऐसे आप लोगों को नजर भी आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक से मैंने फिर इस ट्रिब्यूल है जिसको मैंने ले लिया है और इसको मैंने मैग्निफाई कर लिया है, बड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने ले लिया है, ये कुछ ऐसे आप लोगों को नजर आना चाहिए। अगर आप लोग इमेजिन कर लिए कोई रबड़ का पाइप है, से मैंने फिर इस ट्यूब्यूल है, रबड़ का पाइप है, तो अगर आप लोग रबड़ के पाइप में भी देख ले, बीच में एक बहुत बड़ी केविटी प्रेजेंट होती है, और जो केविटी होती है इधर पे भी मैं लिखवा लेता हूं कि एक हमें केविटी नजर आएगी, और जो केविटी होती है इसको हम और आप लोग LUMEN ल्यूमेन हम इसको कहते हैं, इसका मतलब कि केविटी या ल्यूमेन जो है ये हमें नजर आएगा। लेकिन अगर आप लोग रबड़ के पाइप में भी देख ले तो उधर पे केविटी के बाद जो ऊपर वाली कोई चीज प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होता है, इसको हम आमतौर पे बॉडी वॉल कहते हैं। तो मैं यहां पे भी लिखवा लेता हूं कि हमें बॉडी वॉल भी हमें नजर आएगा। अगर हम और आप लोग इस बॉडी वॉल का एक छोटा सा पोर्शन यानी एक स्मॉल सा पोर्शन हम और आप लोग इसको काटे और काटने के बाद कहीं अगर आप लोग इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख ले तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो इसका बॉडी वॉल होता है यहां पे एक लेयर नहीं होता, यहां पे दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इन लेयर में से जो एक लेयर होता है ये बाहर की तरफ होता है, आप इसको ऐसे बना सकते हैं, जबकि जो एक लेयर होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। और इसको मैं रेड से मैं इसको शो कर लेता हूं। आमतौर पर मेडिकल साइंस में जो बाहर वाला लेयर होता है जिसको मैंने ब्लैक शो किया हुआ है और मैं इसको ब्लैक ही लिखवाऊंगा, इसको हम आमतौर पर एपिथेलियम कहते हैं क्योंकि ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। लेकिन जो अंदर वाला है जिसको मैंने रेड शो किया हुआ है इनके साथ मैं एंडोथेलियम लिखवा लेता हूं क्योंकि ये अंदर की तरफ जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। ये जो एपिथेलियम है, शाबाश है, इसको आपके बुक ने एक और नाम दिया हुआ है और वो है बेसल लेमिना, बेसल लेमिना। तो प्लीज आप लोग ईटा के अंदर ये एहतियात कर ले कि बेसल लेमिना का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एपिथेलियम है। लेकिन याद रख ले आपके बुक में बेसल लेमिना का लफ्ज है, एपिथेलियम का है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आप लोगों को कह दिया है कि ये एपिथेलियम होता है। इस एपिथेलियम को उसने नाम दिया हुआ है बेसल लेमिना। लेकिन जो एंडोथेलियम होता है इसका नाम आपके कोर्स के अंदर नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे कर लिया है। लेकिन इस एंडोथेलियम का जो नाम होता है इनको हम आपके बुक में जो नाम दिया हुआ है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी इसको इन्होंने जो नाम दिया हुआ है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको आपके बुक ने एक और नाम भी दिया हुआ है वो है मेल जर्मिनल लेयर भी इसने इनको कहा हुआ है। जो मेल जर्मिनल लेयर है इसको एक और नाम भी दिया हुआ है वो है स्पर्मेटोगोनियल लेयर, लेकिन इसको इन्होंने एक और नाम भी दिया हुआ है वो है जर्म सेल लाइन। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए हैं ईटा में, इन सब का मतलब एक ही होगा। लेकिन एंडोथेलियम का लफ्ज आपके कोर्स में नहीं है, ये जनरली आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंडोथेलियम के ये और नेम जो है ये हमें नजर आएंगे। अगर हम और आप लोग कहीं बेसल लेमिना को देख ले और हम और आप लोग देख ले कि आखिर में ये किस चीज का बना हुआ है, कहीं पूछा गया तो प्लीज आप लोगों को पता होना चाहिए ये जिस चीज से बना हुआ होता है इसको हम और आप लोग कनेक्टिव टिश्यूज हम और आप लोग इसको कहते हैं। ये आमतौर पे एमसीक्यू के अंदर ये बात पूछी जाती है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसका जो बेसल लेमिना है वो किस चीज का बना हुआ है, तो फिर ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन इसको कनेक्टिविटी, स्ट्रांगनेस, टफनेस इनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने रबड़ के पाइप देखे होंगे, इनमें चूंकि केविटी में उस ल्यूमेन के अंदर पानी जाता है, उसका ब्लड प्रेशर होता है, इसके बॉडी वॉल के ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू रबड़ की कवरिंग होती है, उसका फायदा ये होता है कि वो जो पानी होता है अगर इसका प्रेशर बढ़ भी जाए तो फिर वो उस ल्यूमेन से पाइप से ये फिर निकलता नहीं है। एग्जैक्टली ये जो एपिथेलियम है जो कि जिसको हम लोग बेसल लेमिना कहते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है और इसको ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है। खुदा ना खास्ता अगर कहीं ये वीक होते या हो जाए तो फिर इसके अंदर जो भी कोई चीज होगी ये फिर बाहर को निकलना शुरू हो जाएगी। अगर हम और आप लोग फिर एंडोथेलियम के ऊपर आ जाए, ये तो एपिथेलियम की बात हो गई है, एंडोथेलियम के हम और आप लोग ऊपर आ जाए और एंडोथेलियम को हम और आप लोग निकाल दें, सो नो डाउट ये भी सेल की एक लेयर जो है
ये किफारा में प्रेजेंट होता है। उस सेल की लेयर को मैं यहां पे बड़े बड़े सेल से इसको शो कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ऐसे फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक सेल है, फिर इसके बाद इस तरह का कोई दूसरा सेल होता है, इस तरह से पूरी की पूरी सेल की जो एक लेयर है ये प्रेजेंट होती है। मैं इस सेल के लेयर को इसलिए बना रहा हूं कि हमारा और आप लोगों का जो काम है वो असल में सेल के इस लेयर के साथ है, इसी ही को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे, तब जाके मैं इसको बना भी रहा हूं। वो जो एपिथेलियम वाला लेयर था इसको मैंने इसलिए नहीं बनाया कि उधर पे हमारा और सिर्फ एक ही पॉइंट था जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ये जो एंडोथेलियम होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, कहीं अगर आप लोग इसको निकाल दे यानी देख ले तो ये सेल की इस तरह की एक लेयर होती है। लेकिन जब मैंने इस सेल के लेयर के अंदर देखा तो फिर मुझे दो तरह के सेल जो है इसके अंदर नजर आ गए हैं। ये ब्लैक ब्लैक, लेकिन इनके बीच में कुछ को मैं हटा रहा हूं और इनको मैं ऐसे ग्रीन मार्कर से इसको मार्क कर रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कोई और किस्म का सेल जो है यहां पे ये प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये है, इसके बाद मैं इनको हटा रहा हूं, शाबाश, इनको भी मैं ऐसे ग्रीन कर रहा हूं, ये कोई और सेल है, यहां पे हमारे साथ ये कोई और सेल प्रेजेंट होता है, तो जिनको मैंने ग्रीन ग्रीन किया हुआ है ये कुछ और किस्म के सेल जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोथेलियम के अंदर हमारे साथ दो तरह के सेल्स हो गए हैं, कुछ को मैंने ब्लैक शो किया हुआ है, जो ब्लैक हो उसको ब्लैक के साथ ही लिखवा लेता हूँ। इन ब्लैक वाले सेल्स को हम आमतौर पर कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनियल हो सेल्स, जबकि जहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन है इनको हम आमतौर पे कहते हैं SERTOLI सर्टोली। कुछ लोग इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको सर्टोलाई पुकारते हैं, लेकिन सर्टोली सेल्स का एक दूसरा नाम भी आपके कोर्स में है, वो कोई और नहीं है, वो नर्स सेल्स भी होते हैं। मैं ऊपर भी ऐसे ही कर लेता हूँ कि जो ब्लैक है इनको मैं नाम दे लेता हूँ कि जो ब्लैक मैंने शो किए हुए हैं इनको हम और आप लोग स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हम और आप लोग इनको कहेंगे, जबकि जो ब्लू ब्लू है इनको मैं नाम दे रहा हूँ कि ये हमारे साथ वो सर्टोली या सर्टोलाई सेल्स हैं, जिनका दूसरा नाम नर्स सेल भी है। और आपके कोर्स में ये दोनों के दोनों नाम लिखे भी हुए हैं, लेकिन हर किस ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम नर्स सेल्स भी होते हैं। तो इटम आप लोगों ने एक और गलती जिसको आप लोगों ने नहीं करनी है वो ये है कि बाद दफा वहां पे स्पर्मेटोगोनियल लेयर का लफ्ज लिख लेते हैं। अगर स्पर्मेटोगोनियल लेयर का लफ्ज है इसका मतलब कि इसके अंदर हमारे साथ दो तरह के सेल जो हैं ये फिर प्रेजेंट होंगे, लेकिन बाद दफा वो सिर्फ नाम लिखवा लेता है स्पर्मेटोगोनियल सेल, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए इसका मतलब ये ब्लैक ब्लैक जो है ये सेल्स ही होते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं इनको हम क्यों स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एक ही कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इन सेल से फ्यूचर में स्पर्म बनता है और स्पर्म के बनने को हम और आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए मैं इनके साथ यहाँ पे लिखवा लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इनको हम क्यों स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं, क्यों कि इन सेल्स से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये कहीं MCQs के अंदर भी पूछा गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन क्यों हम इसको सर्टोली सेल्स कहते हैं, इसलिए कि जो सर्टोली सेल्स हैं ये ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, यानी ये ग्लैंड का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जो ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन को बनाते हैं और जिस हार्मोन को ये बनाते हैं इसको हम और आप लोग इनहिबिन हार्मोन हम और आप लोग इसको कहते हैं, हार्मोन को हम और आप लोग इसके फंक्शन को फिर बाद में हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन क्यों हम इसको नर्स सेल्स कहते हैं, नर्स बार बार बताता हूं ये नर्सिंग माँ भी होती है जो बच्चे की केयरिंग करते हैं, नर्स जो होती है वो हॉस्पिटल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, वो पेशेंट्स की केयरिंग करते हैं, तो इसको हम इसलिए नर्स सेल्स भी कहते हैं कि ये किसी चीज की केयरिंग करता है। तो मैं यहां पे लिखवा लेता हूं केयरिंग, किस चीज की केयरिंग करेगा, अंडरस्टूड बात, ये कोई और चीज नहीं होगा, वो स्पर्म से ही होंगे जिनकी ये केयरिंग करते हैं। तो इनहिबिन फिर क्या करते हैं उनको भी हम पढ़ेंगे, ये नर्स सेल्स केयरिंग कैसे करते हैं इनको भी हम और आप लोग पढ़ेंगे, पर फिलहाल हम और आप लोग इनके इनको हम डिस्कस नहीं करते, इतना तक मैंने आप लोग को बता दिया है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स जो बार बार बता रहा हूं कि ये कोई और चीज नहीं है, इसको हम इसलिए कहते हैं कि इनसे असल में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इन सेल से कैसे स्पर्म बनेंगे,
ये आपके कोर्स के अंदर है, अभी हम और आप लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन कहीं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं कि हैप्लॉइड होते हैं, तो आमतौर पर स्टूडेंट्स इसको हैप्लॉइड लिखते हैं, क्योंकि इनके जहन में या इनके नाम से मालूम ऐसे होता है कि स्पर्मेटोगोनियल सेल और स्पर्म वगैरह हैप्लॉइड होते हैं तो ये सेल्स भी हैप्लॉइड होंगे। ना 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 ना, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। क्यों? कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं। लेकिन क्यों हम इसको स्पर्मेटोगोनियल सेल्स कहते हैं? क्योंकि इससे फ्यूचर में स्पर्म बनेगा। ये स्पर्म नहीं है, इससे फ्यूचर में स्पर्म बनेगा, जैसे न्यूरॉन है। तो क्यों हम इसको न्यूरॉन कहते हैं? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का सेल है। क्यों हम इसको मसल का सेल कहते हैं? क्योंकि ये वास्कुलर सिस्टम का सेल है। तो क्यों हम इसको स्पर्मेटोगोनियल सेल कहते हैं? क्योंकि इससे फ्यूचर में स्पर्म बनेगा, हालांकि ये सेल डिप्लॉइड है। इसीलिए ये जो मैं स्पर्मेटोगोनियल सेल्स होते हैं इनमें, यहां पे मैं लिखवा लेता हूं कि ये हमारे साथ 2n वाला है, और अगर 2n है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये हमारे साथ डिप्लॉइड होगा, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं इनमें 46 क्रोमोसोम जो है ना ये फिर प्रेजेंट होते हैं, तब जाके मैंने इनको लिखवा दिया है। तो कहीं एमसीक्यूज के अंदर भी ये बात पूछी गई कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, दोनों नहीं है, दोनों है, सो यू शुड नो कि ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 2n वाला है क्योंकि ये हमारे बॉडी का सेल होता है। तो इनसे स्पर्म कैसे बनता है अभी हम और आप लोग इनको पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले एक चीज जो कि मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा वो है सेल डिवीजन। क्यों? कि सेल डिवीजन के थ्रू इनसे ये जो स्पर्म वगैरह होते हैं ये फिर इनसे बन जाते हैं। तो अभी जिस चीज़ को हम और आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कोई और नहीं होता, वो सेल डिवीजन है, और सेल डिवीजन ही को मैं अभी डिस्कस भी कर रहा हूँ। सेल डिवीजन को यू नो कि जो सेल डिवीजन होता है वो हमारे साथ दो तरह का होता है, एक को हम और आप लोग माइटोसिस कहते हैं, जबकि दूसरे को हम और आप लोग मियासिस कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम और आप लोग कोई एक सेल ले ले, मैं ये सेल ऐसे ले रहा हूँ, तो इस सेल को हम और आप लोग पी सेल कहेंगे, पेरेंट सेल हम और आप लोग इसको कहेंगे। ये हमारे साथ माइटासिस है, तो इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, या फिर ये 2n वाला है या फिर ये डिप्लॉइड है। अगर इसके अंदर माइटासिस हो जाए तो अंडरस्टूड बात है, इनसे फिर दो सेल बनेंगे, और हर एक सेल को हम और आप लोग डॉटर सेल हम और आप लोग इसको कहेंगे। लेकिन जो दो सेल्स होते हैं, कहीं अगर आप लोग इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर देख ले तो जितना पेरेंट्स के अंदर है उतना इधर भी होता है, 46 46, और ये भी 2n वाला होता है, ये भी 2n वाला होता है, इन अदर वर्ड्स ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। लेकिन इधर ही आप लोगों को एक बात बता दूं, वो ये है कि ये जो सेल डिवीजन हम और आप लोग पढ़ रहे हैं उसकी हम उतना डेप्थ हम और आप लोग हम नहीं जाएंगे, इतना डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम इसको सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि हमारा जो मसला है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियल से सेल से ये स्पर्म्स का बनना, ये हमारा और आप लोग का कम से कम हल हो जाए, इतना हम और आप लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम और आप लोग इसको नहीं जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं कि अगर पेरेंट सेल है इनसे दो डॉटर सेल बन गए हैं, तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि माइटोसिस में कितने सेल बनेंगे, तो बहुत ही आसान आंसर वो ये है कि एक सेल में, एक सेल से हमें हमेशा के लिए हमारे साथ दो सेल्स बनेंगे। ये पॉइंट नोट करने वाला है, तब जाके मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। लेकिन कहीं अगर आप लोग पेरेंट सेल में देख ले और डॉटर में देख ले तो जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एक जैसा है, तब जाके माइटोसिस का दूसरा फायदा ये है कि ये क्रोमोसोम के नंबर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रखता है, मेंटेन रखता है, रिटेन रखता है। तो दो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं और इनको मैंने लिखवा दिया है। ये परमानेंट आपके जेन में होने चाहिए कि माइटोसिस के रिजल्ट में हमेशा के लिए दो सेल बनेंगे, जबकि जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन होगा, रिटेन होगा। दो पॉइंट्स जिसको आप लोग न लिखे लेकिन आपके जहन में होने चाहिए। पहला पॉइंट ये है कि जो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जो दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं इनके अंदर उस वक्त तक फिर कोई माइटोसिस या कोई और सेल डिवीजन मियासिस वगैरह नहीं होंगे, जब तक कि इनका साइज पेरेंट के सेल के साइज तक ना पहुंच जाए। और अगर साइज में फर्क आता है तो इसके लिए हम जो लफ्ज लिखवाते हैं वो है ग्रोथ का, तब जाके मैं कह रहा हूं कि इन डॉटर सेल्स के अंदर उस वक्त तक फिर कोई सेल डिवीजन नहीं होगी, जब तक इसके अंदर ग्रोथ पूरा ना हो जाए, जब तक कि इनका साइज पेरेंट के सेल के साइज तक ना पहुंच जाए। जनरली बता रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता इसके अंदर फिर सेल डिवीजन शुरू हो जाए तो फिर ये नॉर्मल सेल डिवीजन नहीं होगा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा, एंड एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज सिंपली कॉल्ड एज द कैंसर वन। तो फिर हम और आप लोग इसको कैंसर हम और आप लोग इसको कहते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट जो मैंने बता दिया है आपके जेन में होना चाहिए, बेशक आप इसको ना लिखे लेकिन जेन में होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो बहुत ही
जबरदस्त है वो ये है कि अगर आप लोग इसको बोर्ड के ऊपर देख ले तो आपको तीन सेल नजर आएंगे, हालांकि ये तीन नहीं होते। जो ये वाला सेल है पेरेंट का, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, ये खत्म हो गया है। इसका मतलब कि बोर्ड के ऊपर हमें तीन सेल नजर आएंगे, लेकिन ये तीन नहीं होते, ये असल में दो सेल जो है ये बन जाते हैं। तो दो पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए हैं, आप लिख देंगे, दो पॉइंट्स आप लिखेंगे नहीं, वैसे ही आपके जहन में होने चाहिए। नंबर वन, उस वक्त तक इसके अंदर फिर कोई सेल डिविजन नहीं होगी जब तक इसके अंदर ग्रोथ पूरा ना हो जाए, और नंबर टू कि जो सेल्स होते हैं ये बोर्ड के ऊपर हमें दो नजर आते हैं, हालांकि ये बोर्ड के ऊपर हमें तीन नजर आते हैं, हालांकि ये दो होते हैं। अगर हम और आप लोग मियासिस के ऊपर आ जाए, सो यू नो कि मियासिस हमारे साथ दो तरह का होता है, एक को हम और आप लोग मियासिस फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को हम और आप लोग मियासिस सेकंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे साथ ये कोई पेरेंट सेल है, मैं इसको लिखवा रहा हूं, और ये पेरेंट सेल इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, यानी ये 2n वाला है, ये डिप्लॉइड है, अगर इसके अंदर मियासिस फर्स्ट हो जाए तो फिर तो हमारे साथ दो सेल बनेंगे, जो दो सेल बनेंगे इसको हम और आप लोग फिर डॉटर सेल कहेंगे। तो इनमें क्रोमोसोम का नंबर ये रिड्यूस हो जाता है, 46 से ये 23 हो जाता है मियासिस फर्स्ट में, और इधर पे भी 23 होता है, तो 2n से n और n, और ये डिप्लॉइड नहीं होगा, ये फिर हैप्लॉइड होगा, और ये फिर हैप्लॉइड होगा। तो मियासिस फर्स्ट में क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ, हाफ हुआ, तब जाके कुछ लोग मियासिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, और इसलिए हम इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब अगर मियासिस टू शुरू होगा तो इन दो के अंदर होगा, तो आप ये जो दो सेल्स हैं इसको हम और आप लोगों ने डाट रखा हुआ था, इसको अब हम और आप लोग फिर हम इसको पेरेंटल कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर फिर मियासिस टू शुरू होगा। अगर इसके अंदर मियासिस टू शुरू होगा तो अगर होगा तो फिर तो इस सेल के अंदर भी होगा तो दो सेल बनेंगे, इस सेल के अंदर भी होगा तो दो सेल बनेंगे। तो अगर आप लोग इन डॉटर सेल्स के अंदर कहीं अगर आप लोग क्रोमोसोम के नंबर को देख ले तो वो पेरेंट जितना होता है, यानी यहां पे भी 23, सबके अंदर 23 जो है ये फिर क्रोमोसोम्स होंगे, ये सारे के सारे एन वाले होंगे, लेकिन इनके अलावा ये सारे के सारे फिर हैप्लॉइड वाले होते हैं, यानी ये ऐसे ही हो जाता है। तो अगर आप लोग वैसे देख ले, मियासिस टू ने क्या किया, उसने क्रोमोसोम के नंबर को रिटेन किया, मेंटेन किया, तो इसका फंक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ जिस तरह के माइटासिस का है, इसलिए कुछ लोग मियासिस टू को माइटासिस बी कहते हैं, कहते हैं, अगरचे ठीक नहीं है लेकिन कहते हैं, तब जाके मैं भी कह रहा हूं, लेकिन इसका असल जो नाम है इसको हम और आप लोग फिर कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, हम फिर इसको कहते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम के नंबर को इक्वेशन में रखेगा, बराबर करेगा, जिस तरह के माइटासिस ने कर लिया है। तो अगर मैं लमसम आप लोगों से पूछूं कि मियासिस के कितने फायदे हो गए हैं, दो, वहां पे एक सेल से माइटासिस में दो सेल बनते हैं, यहां पे एक सेल से फोर सेल हमारे साथ बन जाते हैं, तब जाके उसी तरह से फिर रेड मार्कर से लिखवा रहा हूं कि यह मियासिस में हमारे साथ एक सेल से फोर सेल्स बनेंगे। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो फोर सेल्स है, अगर आप लोग इसका पेरेंट सेल देख ले और अगर आप लोग इनके नीचे वाले जो फोर सेल्स हैं उनको आप लोग देख ले डॉटर वाले, तो वहां पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हुआ है, हाफ हुआ है, तब जाके मैं ये लिख पा रहा हूं इनके साथ कि यहां पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है, यानी ये रिड्यूस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो था वो कांस्टेंट था। ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखवा दिए, दो पॉइंट्स इस तरह से मैंने यहाँ पे भी लिखवा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो दो पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए, जिसको आप लोग नहीं लिखेंगे, उनमें से ये है, नंबर वन कि ये जो हमारे साथ सेल्स बन जाते हैं डॉक्टर वाले, इनके अंदर फिर किसी किस्म की सेल डिवीजन नहीं होगी जब तक कि इसके अंदर ग्रोथ पूरा ना हो जाए, यानी जब तक कि इनके अंदर इनका साइज जो है वो पेरेंट के सेल के साइज तक ना पहुंच जाए। और दूसरा पॉइंट जिसको फिर आप लोग इसको नहीं लिखेंगे, आपके जेन में होना चाहिए, वो ये है कि कहीं अगर आप लोग बोर्ड के ऊपर सेल्स को काउंट कर ले, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन सेल्स बन जाते हैं, हालांकि ये सेवन नहीं होते, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, इसकी खत्म हो गई है, इसकी खत्म हो गई है, असल में ये सेल हमारे साथ बन जाते हैं, तब जाके बोर्ड के ऊपर हमें सेवन सेल नजर आएंगे, हालांकि असल में ये फोर सेल जो है ये फिर हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। तो दो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को माइटासिस के अंदर लिखवा दिए हैं, जहन में होना चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए स्पर्मेटोजेनेसिस में मसले होंगे। दो पॉइंट्स मैंने मियासिस के अंदर आप लोगों को लिखवा दिए हैं, वो जहन में होने चाहिए, अदरवाइज हमारे लिए फिर वहां पे मसला होगा। इसी तरह से दो पॉइंट्स यहां पे नहीं लिखवा दिए हैं, लेकिन मैंने आपके साथ बात शेयर कर ली है कि ये बात पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। अब आते हैं इस स्पर्मेटोगोनियल सेल्स के ऊपर कि इस सेल डिवीजन के रिजल्ट में कैसे इन स्पर्म वगैरह जो है ये फिर बन जाते हैं।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इन स्पर्मेटोगोनियल सेल से अगर सेल डिवीजन के थ्रू स्पर्म बनेंगे तो इसके अंदर एजेरूल पहला कौन सा वाला सेल डिवीजन होना चाहिए, मेरे ख्याल में आपका आंसर फौरन माइटासिस ही होना चाहिए, क्योंकि डिप्लॉयड सेल है, इसके अंदर जो पहला सेल डिवीजन होगा इसको हम और आप लोग माइटासिस ही कहेंगे। तो मैं ऐसे लाइन लिखवा रहा हूँ शाबाश से और इस तरह के लाइन डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल डिवीजन हुआ वो माइटासिस हुआ, और इस माइटासिस के रिजल्ट में इस एक सेल जिसको अब हम और आप लोग पी सेल कहेंगे, पेरेंटल सेल हम और आप लोग इसको कहेंगे, लेकिन इस पेरेंटल सेल का अब नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल, पेरेंटल तो जनरल टर्म है, इस पेरेंटल सेल का अब नाम क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनियल सेल। अगर इसके अंदर सेल डिवीजन हो जाए, माइटासिस हो जाए, तो माइटासिस के रिजल्ट में कितने सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे, तो एक सेल ये हुआ, एक सेल ये हुआ, इन सेल्स को हम और आप लोग डॉटर सेल्स कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मैं यहां पे डी लिखवा रहा हूं, लेकिन आपके बुक ने इन दो डॉटर सेल्स को हर एक को अपना नाम दिया हुआ है, ये ए हुआ और ये बी हुआ। इसका मतलब कि स्पर्मेटोगोनियल सेल के अंदर जब माइटासिस हो जाए तो दो डॉटर सेल जिनमें से एक को हम और आप लोग ए और दूसरे को हम और आप लोग बी सेल कहते हैं, ये फिर हमारे साथ बन जाते हैं। तो एक सेल से हमारे साथ दो सेल बन गए हैं, वो मैंने वहां पे पॉइंट लिखवाया हुआ है। जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर इसके अंदर माइटासिस हो जाए तो अगर ये डिप्लॉयड है, यानी 46 वाला है, यानी 2n वाला है, यानी डिप्लॉयड है, तो फिर ये भी 46 होगा, ये भी 2n होगा, ये भी फिर डिप्लॉयड होगा, तो फिर तो हमारे साथ ही दो सेल इस तरह के बन जाएंगे। तो वही बात हो गई कि एक सेल से दो सेल भी बन गए हैं और क्रोमोसोम का जो नंबर है ना वो भी शाबा से मेंटेन हुआ, रिटेन हुआ, कॉन्स्टेंट हुआ, जो दो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। अब अगर कहीं आप लोगों से ये बात पूछी गई, इसके ऊपर बड़े मजेदार से क्वेश्चन आते हैं, अभी से आप लोग इसके ऊपर सोचना शुरू कर लें। अगर कहीं आप लोगों से पूछा गया कि अगर हमारे साथ फॉर एग्जांपल 10 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो तो इससे फ्यूचर में कितने डॉटर सेल बनेंगे, तो डॉटर का लफ्ज फिर जनरल है, तो फिर हर एक सेल से दो दो बन रहे हैं, तो फिर 10 × 2 = 20। लेकिन बाद दफा ऐसे पूछा जाता है कि अगर हमारे साथ 10 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो और इसके अंदर माइटासिस हो जाए तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ ए डॉटर सेल क्या कितने बनेंगे, यानी ए को उसने स्पेसिफिक किया, बी को उसने छोड़ दिया। तो अगर आप देख ले तो 10 से तो 20 बन रहे थे ए और बी, तो उस 20 में से 10 तो ए है, 10 तो बी है, तो फिर अगर 10 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, माइटासिस हो जाए, तो फिर कितने ए सेल बनेंगे, 10, कितने बी सेल बनेंगे, 10, और कितने डॉटर सेल बनेंगे, फिर 20। तो ये बड़ी टेक्निकलिटी होती है, इन चीजों की आप लोगों को समझ आनी चाहिए। कहीं पूछा गया कि अगर स्पर्मेटोगोनियल सेल से डॉटर सेल ए बनते हैं या उसने बी का नाम ले लिया वो बनते हैं, तो फिर आप बता दें कि इसके लिए कौन सा सेल डिवीजन रिस्पांसिबल होता है, माइटासिस, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए ये माइटासिस है। ये बड़े जबरदस्त पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। इधर भी आप लोगों को ये बात बता दूं कि इसको आप ए कहें, इसको बी कहें, इसको आप ए से कह सकते हैं, इसको आप बी कह सकते हैं, ये डायग्रामेटिकली है, किसी को आप लोग जनरली हमने नाम दिए हुए हैं, आप इसको कोई भी कह सकते हैं। ये तो माइटासिस में वो दो पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन दो पॉइंट्स कुछ और भी हैं, उनमें से ये है कि अगर इस सेल के अंदर माइटासिस हुआ तो बोर्ड के ऊपर तो हमें तीन सेल नजर आ रहे हैं ना, हालांकि ये तीन तो नहीं होते ना, ये सेल तो खत्म हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल की जो एग्जिस्टेंस है वो तो खत्म हो गई। ये पॉइंट आप लोगों ने, वो तो मैंने आप लोगों को ये बात उधर पे बताई हुई थी, तो दो सेल तो बन गए लेकिन ये सेल तो खत्म हुआ। इसके बारे में आप लोगों को एक बात बता दूं फिर हम और आप लोग आगे जाएंगे, वो ये है कि जो मेल्स होते हैं और जो फीमेल्स होते हैं, इनमें एक फर्क यह भी है कि जो मेल्स होते हैं इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मैच्योरिटी से शुरू हो जाता है, टिल एंड तक होता है। इसका मतलब कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ है, लेकिन दूसरे साइड पे जो फीमेल्स होते हैं इनमें जो ओजेनेसिस है यह मैच्योरिटी से शुरू होता है, टिल एंड तक नहीं होता, लेट 50 तक होता है। इसका मतलब फिर इसके बाद ओजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता, ओम नहीं बनते, और इसको हम आप लोग फिर मेनोपॉज कहते हैं। इसका मतलब कि मेल और फीमेल में एक डिफरेंस यह भी हुआ कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ है, फीमेल के अंदर जो ओजेनेसिस है वो थ्रू आउट द लाइफ नहीं है, उसमें मेनोपॉज का स्टेज भी आता है। दूसरा फर्क यह है, अच्छा अब अंदाजा लगा दे कि मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस वो तो थ्रू आउट द लाइफ है,
जो इसके बाद जो फर्क है वो ये है कि जो मेल्स होते हैं वो 24 आवर्स में, 24 घंटे में, बुक ने ये बात लिखी हुई है, 400 मिलियन स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। लेकिन दूसरे साइड पे जो फीमेल्स होते हैं वो पर डे के हिसाब से नहीं, पर मंथ के हिसाब से, एक महीने में वो मिलियन बिलियन को छोड़ दे, जस्ट एक ओम एक एक नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा होते हैं हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली एक ही होता है। तो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक फर्क यह भी है कि मेल में है भी थ्रू आउट द लाइफ, फीमेल में लेट 50 तक है, मेनोपॉज का स्टेज आ जाता है। दूसरा फर्क मेल में मिलियन के हिसाब से 400 मिलियन स्पर्म्स पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल में 1 ओम लेकिन वो भी पर मंथ के हिसाब से प्रोड्यूस होता है। तो अब थोड़ा सा सोचे कि मेल्स के अंदर अगर 400 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम एक स्पर्मेटोगोनियल सेल के साथ ऐसे कर रहे हैं। अगर 400 मिलियन प्रोड्यूस होंगे इसका मतलब यह हुआ कि ये लेयर बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है। तो अगर किसी मेल के अंदर ये लेयर खत्म हो जाए तो इसी ही लेयर से तो स्पर्म बनते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि मेल लाइफ के किसी भी स्टेज में, हिस्से में वो इनफर्टाइल हो सकता है। तो कुदरत ने इससे बचने के लिए क्या किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है कि अगर आप लोगों ने बारिश के दिनों में देखा हुआ हो, छत के ऊपर पानी जमा हो जाता है तो छत से बार दफा पानी नीचे टपकता है ड्रॉप्स की फॉर्म में। तो आप लोग कहीं छत के ऊपर देख ले तो उसे जो ही पानी का एक ड्रॉप नीचे आता है तो एक ड्रॉप उधर छत के साथ वो रह भी जाता है, फिर अगर वो नीचे गिरता है फिर और ड्रॉप एक ऊपर रह भी जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, जैसे ये एक सेल है इनसे दो सेल बन गए हैं तो इनमें से वो एक सेल जो होता है वो ड्रॉप की फॉर्म में उस लेयर के साथ रिटेन होता है, मेंटेन होता है, अटैच होता है, वो नहीं गिरता, एक को नीचे उस ड्रॉप की फॉर्म में नीचे फेंका जाता है, जिसको नहीं फेंका जाता वो ए है। इसका मतलब कि इस एक को मैं यहां से हटा रहा हूं, एक को नहीं फेंका जाता इनटू द कैविटी, तो एक कहां पे होगी, वो जो ए होता है वो उधर ही अटैच होके रह जाता है। तो इसके ऊपर मैं लिखवा रहा हूं ये वो ए सेल है, लेकिन ए सेल है क्या, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो ये तो वही 46 है, ये तो वही 2n वाला है, ये तो वही डिप्लॉइड है। जबकि बी सेल को फेंका जाता है किधर पे, इस कैविटी के अंदर, इस ल्यूमेन के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर कहीं पूछा गया कि जब स्पर्मेटोगोनियल सेल से डॉटर सेल बन जाते हैं इनमें से किसको कैविटी के अंदर फेंका जाता है वो बी होगा, किसको ऊपर ही वो रह जाता है वो ए है। तो इस ए, इसके अंदर जो फिर क्या होगा, वो फिर क्या होगा कि इस ए को ऊपर तो रह गया, अब इस एक दो सेल तो हमारे साथ बन गए हैं, दोनों के साथ क्रोमोसोम का नंबर भी सेम है, बोर्ड के ऊपर अभी जो हम नजर आएंगे वो दो सेल हमें नजर आएंगे, वो तो ठीक हुआ, लेकिन इन दो सेल्स के अंदर जो ए सेल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, इसके अंदर तो ग्रोथ तो पूरी होगी ना, तो जब इस ए सेल के अंदर ग्रोथ पूरा हो जाए देन वी डोंट कॉल इट द ए सेल, उस ए सेल को हम फिर कहते हैं कि स्पर्मेटोगोनियल सेल हुआ। इसका मतलब कि ए सेल का मेन फंक्शन क्या हुआ कि इसने मेल्स के अंदर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटोगोनियल लेयर है उसको मेंटेन किया, उसको रिटेन किया। और इसका फायदा यह होता है कि मेल्स में यह लेयर खत्म ही नहीं होता, और जब यह लेयर खत्म ही नहीं होता तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, और होता है तो फिर थ्रू आउट द लाइफ होता है, तब जाके मेल इनफर्टाइल नहीं होते। लेकिन अगर ए सेल को भी नीचे फेंका जाता तो फिर मेल के अंदर इनफर्टिलिटी की रेशो बहुत ज्यादा होती। तो कहीं पूछा गया ए सेल का फायदा क्या हुआ, टू रिटेन द स्पर्मेटोगोनियल लेयर, उस लेयर को ये रिटेन करता है, मेंटेन करता है, ताकि फिर किसी किस्म का मसला जो है ना इसके अंदर ये ना हो। नेक्स्ट वो ये है कि जो बी सेल है इसको नीचे फेंका गया, तो जब बी सेल को नीचे फेंका जाता है तो इसके अंदर भी अब ग्रोथ ने तो पूरा होना है, इसके अंदर भी अब उसने ग्रोथ को तो पूरा होना है इस बी सेल के अंदर। तो इस बी सेल से मैं ऐसे लाइन लिखवा रहा हूं और यहां पे मैं लिखवा रहा हूं कि इसके अंदर जब ग्रोथ पूरा हो जाए, तो जब ग्रोथ पूरा हो जाए तो इस बी सेल को हम फिर बी सेल नहीं कहते, इसको हम फिर कहते हैं प्राइमरी और स्पर्मेटोसाइट। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बी सेल हैप्लॉइड था क्या डिप्लॉइड था, वो तो डिप्लॉइड था ना, तो अगर मैं पूछूं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहीं पूछा गया कि वो फिर हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, वो भी डिप्लॉइड है।
क्योंकि उसी ही बी सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना हुआ है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो फिर इसके साथ मैं लिखवा रहा हूं कि ये भी 2N वाला होगा, ये भी डिप्लॉइड होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, कहीं पूछा गया, ये बड़े जरूरी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्योंकि असल में उसी ही बी सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फेनोमिनन कौन सा इन्वॉल्व है, ग्रोथ। तो क्रोमोसोम का नंबर तो वही है ना, सिर्फ ग्रोथ पूरा हुआ ना। इसलिए बस दफा इसके ऊपर फिर से हर एक स्टेप के ऊपर हम और आप लोग कुछ एमसीक्यूज बनाएंगे, मैं आपको इशारा दूंगा, बाकी फिर आप लोग इसके ऊपर बना सकते हैं। कहीं पूछा गया कि जब स्पर्मेटोगोनियल सेल से दो डॉटर सेल ए और बी बन जाते हैं, इनमें से किस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, बी सेल से। एक फंक्शन क्या हुआ, टू रिटेन द स्पर्मेटोगोनियल लेयर। कहीं पूछा गया इनमें से कौन सा सेल है जो कि हैप्लॉइड होता है, ए सेल, बी सेल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी हैप्लॉइड नहीं है, सारे के सारे डिप्लॉइड हैं, लेकिन नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्पर्मेटोसाइट है, ये हैप्लॉइड होगा, नहीं, ये डिप्लॉइड है। शाबाश है। कहीं पूछा गया कि जब स्पर्मेटोगोनियल सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो इसमें कौन सा वाला सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड, ऑल ऑफ दीज। सो ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे माइटोसिस इन्वॉल्व है, मियासिस फिलहाल हमने डिस्कशन तक नहीं किया हुआ है। मेरी बात आपके जहन में होनी चाहिए। इसी तरह से कहीं पूछा गया कि जब बी सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो इनमें कौन सा फेनोमिनन, कौन सा प्रोसेस, क्या इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड, ग्रोथ। सो यू नो कि बी से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो ग्रोथ इन्वॉल्व होता है। कहीं पूछा गया कि अगर हमारे साथ 100 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो तो हमारे साथ कितने बी सेल बनेंगे, 100। अगर हमारे साथ 100 बी सेल्स हो तो कितने हमारे साथ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, 100। वही है ना। कहीं पूछा गया कि अगर हमारे साथ 100 स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हो तो इससे फ्यूचर में कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, 100। कहीं पूछा गया कि अगर हमारे साथ 60 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इसके लिए हमें कितने बी सेल चाहिए होंगे, 60। इस अगर हमारे साथ 60 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो इसके लिए हमारे साथ हमें कितने स्पर्मेटोगोनियल सेल चाहिए होंगे, 60। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्लीज आप लोगों को समझ आने चाहिए, इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर ले। नेक्स्ट, अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो सेल डिविजन होगा वो कोई और तो नहीं होगा, वो तो मियासिस होगा, लेकिन मियासिस में जो होगा वो तो फिर मियासिस फर्स्ट होगा। तो इन सेल्स के अंदर मैं इसको ऐसे लिखवा रहा हूं, शाबाश है, और यहां पर मैं लिखवा रहा हूं मियासिस फर्स्ट शुरू हो जाएगा। जब होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जब मियासिस फर्स्ट हो जाए तो फिर हमारे साथ दो सेल बनेंगे, जैसे मैंने यहां पे आप लोगों को बता दिया है, मियासिस फर्स्ट में दो सेल बनेंगे। जो दो सेल बनेंगे इनमें तो क्रोमोसोम का नंबर 46 है, मियासिस फर्स्ट हो जाए तो वो तो रिडक्शन डिविजन है, तो वो तो इस क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर लेगा। तो ये भी एन और ये भी एन, ये भी 23, ये भी 23, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। क्यों? कि जो मियासिस फर्स्ट है इसका जो दूसरा नाम है वो रिडक्शन डिविजन है, वो क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस करेगा, लेकिन सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस नहीं करता, सेल दो बना लेते हैं। ईच एंड एवरी वन इज कॉल्ड, शाबाश, ईच एंड एवरी वन इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हम इसको कहते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। अगर मैं पूछूं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो किस सेल डिवीजन वहां पे इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड, ऑल ऑफ दिस, मियासिस फर्स्ट है। लेकिन कहीं पूछा गया कि जब स्पर्मेटोगोनियल सेल से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं तो इनमें फिर कौन से सेल डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं, या इनमें फिर कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, माइटोसिस, ग्रोथ, मियासिस फर्स्ट, ऑल ऑफ दीज। तो फिर ये ऑल ऑफ दीज होगा। ये कहीं पूछा गया कि इनमें से कौन सा सेल डिवीजन है जो कि स्पर्मेटोगोनियल सेल से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं और उनमें वो इन्वॉल्व नहीं होता, माइटोसिस, ग्रोथ,
मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड, तो मियासिस सेकंड इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बड़े जबरदस्त किस्म के एमसीक्यूज होते हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। कहीं पूछा गया कि अगर हमारे साथ अगर हमारे साथ 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो तो फ्यूचर में हमारे से इससे कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे? 200। अगर हमारे साथ 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो, इसके लिए हमें कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिएंगे? 25। अगर हमारे साथ 100 B सेल्स हो तो फिर इससे फ्यूचर में कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे? 100। अगर हमारे साथ 100 B सेल्स हो, इससे फ्यूचर में कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे? 200। अगर हमारे साथ, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, 200 हमारे साथ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो तो फिर इसके लिए हमें कितने बी सेल चाहिए, या कितने प्राइमरी चाहिए, या फिर कितने स्पर्मेटोगोनियल सेल्स चाहिए? यह बात आप लोगों से पूछ सकते हैं, आप लोगों को फिर पता होना चाहिए। फिर इन सेल्स के अंदर जो फिर सेल डिवीजन होगा, मियासिस फर्स्ट तो हुआ ना, तो फिर तो मियासिस सेकंड होगा ना। अगर मियासिस सेकंड होगा तो वो तो इसके अंदर भी होगा, दो सेल बनेंगे। अगर होगा तो फिर तो ये इसके अंदर भी होगा, दो सेल बनेंगे। मियासिस फर्स्ट के बाद तो मियासिस सेकंड होना है, तो अब तो पेरेंट सेल ये है, तो जब इसके अंदर मियासिस टू हो जाए, वो तो इक्वेशनल डिविजन है, तो फिर क्रोमोसोम का नंबर यहां पे भी एन, यहां पे भी एन, यहां पे भी एन, यहां पे भी एन, इन अदर वर्ड्स यहां पे भी 23, यहां पे भी 23, यहां पे भी 23, यहां पे भी 23, इन अदर वर्ड्स ये सारे के सारे हेप्लॉइड्स होते हैं। जो ये बन गए हैं, इनको हम फिर क्या कहते हैं? इनको हम फिर कहते हैं सेकेंडरी के बाद इसका नाम हो जाएगा टर्शरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन आपके कोर्स में टर्शरी स्पर्मेटोसाइट्स को उन्होंने कुछ और नाम दिया हुआ है, और वो है स्पर्मेटिड्स का। स्पर्मेटिड्स हम इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पर्मेटिड, इस तरह से स्पर्मेटिड बन जाते हैं, लेकिन इसका असल नाम टर्शरी स्पर्मेटोसाइट्स है, लेकिन बुक ने स्पर्मेटिड लिखा हुआ है। अच्छी बात है, मतलब इसका भी ये टेक्निकल नेम है। तो अगर मैं पूछो के शाबाश, इनमें से कौन सा वाला है जो कि डिप्लॉइड है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, या ऑल ऑफ दीज? इनमें से डिप्लॉइड कौन सा है? तो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनमें से कौन सा है जो हैप्लॉइड है? उधर डी ऑप्शन में बोथ बी एंड सी ये हैप्लॉइड होते हैं। कहीं पूछा गया कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो इनमें कौन सा वाला सेल डिवीजन इन्वॉल्व होगा? माइटासिस, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकंड ग्रोथ, तो अंडरस्टूड बात है, मियासिस सेकंड है ना। फिर कहीं पूछा गया, जो कि मैं आप लोगों को क्विज दे देता हूं, कि अगर हमारे साथ 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इससे कितने बनेंगे? 2। अगर हमारे साथ 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो तो हमारे साथ कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सॉरी, हमारे साथ कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 4। इसी तरह से अगर हमारे साथ 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो तो इससे फ्यूचर में कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे? 200। अगर हमारे साथ 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो, इससे फ्यूचर में कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? तो 1 से 4 बन रहे हैं, 100 है, तो फिर 400 हो जाएंगे। या फिर आप लोगों को ये रिवर्स कर लेगा कि अगर हमारे साथ 100 या हमारे साथ 80 स्पर्मेटिड्स हैं, इसके लिए हमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए होंगे? 40। इसके लिए हमें कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए होंगे? 20। इसके लिए हमें कितने बी सेल चाहिए होंगे? 20। इसके लिए हमें कितने स्पर्मेटोगोनियल सेल चाहिए होंगे? 20। इसी तरह से आप लोगों से बात पूछ जा सकती है कि जब स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्मेटिड्स बनते हैं तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? माइटासिस, मियासिस फर्स्ट, मियासिस सेकेंड, ऑल ऑफ दिस, बीच में ग्रोथ भी आता है। ये सारे के सारे फिर ये प्रोमिनेंट जो है ये फिर इन्वॉल्व होते हैं। तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि जब स्पर्म्स बनते हैं, यानी गेमीट्स वगैरह जब बनते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मियासिस ही इन्वॉल्व होता है, नहीं, वहां पे माइटासिस जो है ये भी फिर इन्वॉल्व हो जाता है। स्पर्मेटिड जो होते हैं ये इमेच्योर होते हैं, इनसे फिर स्पर्म्स बनते हैं। और स्पर्मेटिड और स्पर्म में बेसिक 3-4 डिफरेंसेस हैं। स्पर्मेटिड गोल मटोल से होते हैं, स्पर्म एलांगेटेड होते हैं, स्पर्मेटिड में साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, स्पर्म के अंदर कम होता है, स्पर्मेटिड इमोबाइल होते हैं, स्पर्म में अंदर मोबिलिटी होती है, मोटिलिटी होती है,
जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वो इमोटाइल होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। इनके अलावा स्पर्मेटिड का कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, स्पर्म का एक खास स्ट्रक्चर भी होता है और स्पर्म के बॉडी में स्ट्रक्चर में 4 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही आसान है, हेड है, नेक है, मिड पीस है, टेल है। हेड में क्या है, न्यूक्लियस है, एक रोसोम है, एक रोसोम बुक ने लिखा हुआ क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम को कौन बनाता है, गाल्जी बॉडीज, तो एक रोसोम को किसने बना दिया, गाल्जी बॉडीज। तो फिर लाइसोसोम और एक रोसोम में फर्क क्या है, कुछ फर्क नहीं है, दोनों के अंदर ये इंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं, फर्क सिर्फ ये है कि एक रोसोम खास नाम है जो हम स्पर्म के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक में क्या होता है, सेंट्रियोल्स है। मिड पीस के अंदर क्या होता है, उन सेंट्रियोल्स से दो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले हुए होते हैं और इसके ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के लिहाज से फिर मैं आपको बताऊंगा, पूरे कोर्स में 3 सेल्स हैं जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। नंबर 1 हमने पढ़ा हुआ था मसल के सेल्स, नंबर 2 हमने पढ़ा हुआ था न्यूरॉन, नंबर 3 ये स्पर्म है, क्योंकि स्पर्म के अंदर मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, तो इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन जो चौथा पार्ट होता है इसको हम आप लोग टेल या फ्लैजेलम कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट और जो ट्यूब्यूल्स हैं जो मिड पीस के अंदर होते हैं, इसका फंक्शन साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन का फंक्शन इसको एक खास किस्म का शेप जो है ये फिर प्रोवाइड करते हैं। कहते हैं कि स्पर्म की जो एज है वो 72 आवर्स होते हैं, लेकिन ये केमिकली प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मोबिलिटी मोटिलिटी है वो स्विमिंग की तरह है, टेटपोल की तरह, फिश की तरह होता है। लेकिन जो फिश है इसके अंदर जो मोबिलिटी है स्विमिंग वाली, अगर आप देख ले इसकी फितरत ये है कि ये हमेशा के लिए अपस्ट्रीम जाता है, बहाव के उल्टा जाता है। अगर पानी ऐसा तो फिश ऐसे जाता है। इसी तरह से चूंकि स्पर्म्स के अंदर भी मोबिलिटी मोटिलिटी स्विमिंग है, इसलिए इसके अंदर जो मूवमेंट होगी वो अपस्ट्रीम होगा फीमेल के बॉडी के अंदर। अगर पेरिस्टालसिस ऐसे हो रहा है तो फिर ये एंटी जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि फेनोमिनन स्विमिंग वाला होता है। ये जो स्पर्म्स होते हैं ये एक सेल्स होते हैं नो डाउट, लेकिन ये हेप्लॉयड होते हैं। अब इस स्पर्मेटिड से इस स्पर्म को जो मैंने आपके साथ कुछ लाइन में शेयर कर लिया है, स्पर्मेटिड तो इमेच्योर है ना, वो तो छोटा है ना, स्पर्म तो मेच्योर है ना, वो तो बड़ा है ना, इसको को शाबाश से इस स्पर्मेटिड से इस स्पर्म को कौन बनाता है, नर सेल्स। तो अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपके साथ ये बात अभी शेयर की हुई थी कि जो नर सेल्स है इसका मेन फंक्शन ये है कि ये केयरिंग कराता है। और जिस तरह की माँ होती है वो भी नर्सिंग मदर होती है, वो भी छोटे बच्चे की केयरिंग कराती है, तब जाके उनसे जो बच्चा होता है उनसे फिर बड़ा जो है ये फिर बन जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी स्पर्मेटिड जो कि छोटा होता है नर्स सेल उसकी नर्सिंग कराता है, तब जाके इसको बड़ा कराता है और फिर हम और आप लोग इसको स्पर्म हम इसको कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, इसके लिए आपके बुक ने एक खास किस्म का टर्म इस्तेमाल किया हुआ है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ईटा में आप लोग ये भी जल्दी ना कर लें, बाज दफ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस बाज दफ़ा स्पर्मियोजेनेसिस, बहुत ज़्यादा फर्क है। इस सेल से लेके स्पर्म तक बनना इस काल स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना स्पर्मियोजेनेसिस हम इसको कहते हैं। इसका मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि अगर आप लोग इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देख ले, इसमें ये जो क्या है, ये जो सारा कुछ होता है स्पर्म्स वगैरह बनते हैं, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए हार्मोन। और अगर आप लोगों को याद हो हम और आप लोगों ने एक हार्मोन पढ़ा हुआ था जिसका नाम था FSH। इसका मतलब ये हुआ कि जो FSH हार्मोन होता है वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, क्योंकि FSH का मेन फंक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस कराना है। लेकिन अगर आप लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देख ले तो वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। इसका मतलब कि FSH का जो इफेक्ट है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी देख ले, वहाँ पे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स से होता है, वो हर गैस सर्टोली या नर सेल से नहीं होता। इसलिए कहीं पूछा गया कि FSH का इफेक्ट किस सेल के ऊपर होता है, तो भी वो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो FSH है ये कंट्रोल करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, कैसे मैंने आपके साथ बात शेयर कर ली है। लेकिन जो FSH है इसको कौन सिक्रीट करता है, यू नो, इसको पेच्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर
लोभ जो होता है उसको सीक्रेट करता है, लेकिन इस FSH को कंट्रोल करने के लिए अगर आप लोगों को याद हो हाइपोथैलेमस से एक फैक्टर आता है जिसको हम और आप लोग GnRH कहते हैं। तो जो मेल्स होते हैं इनमें ये जो स्पर्म होता है इसका जो काउंट होता है पर डे वो 700 मिलियन नॉर्मली होता है। इससे ज़्यादा हो जाए तो भी मसले होते हैं, बहुत ज़रा कम हो जाए तो भी मसले होते हैं, इनफर्टिलिटी वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अगर मेल्स के अंदर आप लोग देख लें तो ये जो मेल्स होते हैं इनमें बस दफ़ा ये जो काउंट होता है वो 400 मिलियन स्पर्म से ये बढ़ जाता है। जो ही ये बढ़ जाता है समझने की प्लीज़ कोशिश कर ले, यही स्पर्म जो होते हैं ये फिर चले जाते हैं और जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये इसको स्टिमुलेट कर लेते हैं। जो ही ये स्टिमुलेट हो जाए ये इनहिबिन हार्मोन को रिलीज कर लेता है, इनहिबिन हार्मोन फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू चला जाता है हाइपोथैलेमस को, और जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से GnRH को इनहिबिट कर लेता है, स्टॉप कर लेता है। जो ही ये स्टॉप हो जाए इसी ही के रिजल्ट में तो FSH सीक्रेट हुआ था, जो FSH होता है उनकी जो सीक्रेशन होती है वो भी फिर स्टॉप हो जाती है। जो ही FSH स्टॉप, हम और आप लोगों ने पढ़ा कि इसी ही FSH ने तो इनसे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू किया हुआ था, तो फिर इनसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता। और अगर नहीं होता तो अंडरस्टूड बात है वो जो स्पर्म का जो काउंट होगा अगर 400 मिलियन से इंक्रीज कर गया है तो वो फिर डिक्लाइन की तरफ आएगा, तब जाके ये फिर नॉर्मल के ऊपर आ जाता है। लेकिन जो ही इसकी जो अमाउंट है वो 400 मिलियन से कम होना शुरू हो जाता है तो फिर यही स्पर्म उसी तरह से बात होगी, ये फिर जाएगा सर्टोली सेल और सर्टोली सेल से फिर ये इनहिबिन हार्मोन की सिक्रीशन को स्टॉप कर लेता है। अगर ये स्टॉप तो अंडरस्टूड बात है वो जो हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होगा, अगर वो रिलीज होगा तो FSH होगा, अगर FSH होगा तो फिर इनसे फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, और वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा तो अगर स्पर्म का काउंट नीचे आया हुआ है तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इन सब बातों को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। बेसिक टॉपिक हमारा और आप लोगों का मेल के अंदर यही है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इनके अलावा डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इनके अलावा डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं, बहुत ही आसान है। यू नो कि जो डक्ट्स होते हैं पूरे के पूरे ह्यूमन मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वाजा इफेरेंशिया है, इबीटी डाइमस है, वाजा डिफरेंशिया है, और इनके अलावा यूरेथ्रा वगैरह जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही आसान होते हैं, इसके अंदर कोई ख़ास पॉइंट्स तो नहीं है, एक एक पॉइंट है। जैसे कि वाजा इफेरेंशिया, इसका मेन फंक्शन ये टेस्टिस से स्पर्म को इफेरेंशिया एग्जिट करता है लिखा हुआ है। जो इपीरिडाइमस है इसका मेन फंक्शन, यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं स्टोर भी होते हैं लेकिन इससे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे ये स्विमिंग सीख लेते हैं। जो वाजा डिफरेंशिया है मेन डक्ट है, प्रिंसिपल डक्ट है, और इसके अंदर स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो यूरेथ्रा है इसका मेन फंक्शन ह्यूमन मेल्स के बॉडी से स्पर्म को बाहर निकालता है, राइट। इनके अलावा चार किस्म के ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनके अलावा सेमिनल वेजिकल है, इनके अलावा बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, कॉपर ग्लैंड है। हर एक ग्लैंड की सीक्रेशन में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, यू शुड नो, बहुत ही आसान बात है। लेकिन ये बात आप लोगों ने हरगिज़ नहीं भूलनी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका पीएच एसिडिक है, बाकी बल्बो यूरिथ्रल, कोपर्स और सेमिनल वेजिकल इसका जो पीएच होता है वो एल्केलाइन होता है। तो हमारे साथ जो टोटल ग्लैंड्स हैं वो चार हैं, इन चार ग्लैंड्स को हम कलेक्टिवली एक्सेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। इनमें से तीन ऐसे हैं जिसका पीएच एल्केलाइन है, एक ऐसा है जो कि एसिडिक है। तो ह्यूमन मेल्स में जब ये स्पर्म बन जाते हैं ये आते हैं, साथ में ये जो चार ग्लैंड्स होते हैं ये सीक्रेशन भी दे रहते हैं, और कलेक्टिवली हम फिर इसको सीमन कहते हैं। तो सीमन में क्या क्या होगा, स्पर्म्स होंगे, सीमन में क्या क्या होगा, वहाँ पे ये ग्लैंड्स की सीक्रेशन होगी चार जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो आखिर में सीमन का पीएच क्या हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ग्लैंड्स ये एल्केलाइन वाले हैं तो सीमन का जो पीएच होगा वो भी फिर एल्केलाइन हो जाएगा। और बुक ने 7.2 से लेके 7.6 तक लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली ये 7.4 होता है, जो मैंने बताया होता कि ब्लड का भी 7.4 होता है। ये जो मेल्स होते हैं, अब किसी भी जगह पे अगर आप लोग मसला क्रिएट कर लें तो ये मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी को कास कर लेते हैं, लेकिन
सारे के सारे आपको हरगिज याद नहीं होने चाहिए। अगर आप एनुअल वाले स्टूडेंट्स होते, मैं आपको तरीका बता रहता कि कितने किस्म के आप लोग इनफर्टिलिटी में वो सारा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन दो जिसको आप लोगों ने हरगिज नहीं भूलना, इनमें से एक वेरिकोसील है, यू नो कि जो टेस्टिस है वहाँ पे जो वेसल्स होते हैं वो बाज दफ़ा डायलेट हो जाते हैं। अगर ये डायलेट हो जाए तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर लॉस करते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी मेल्स के अंदर कास कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि हाई टेम्परेचर इनफर्टिलिटी को कास कर लेते हैं। इसको हम आप लोग वेरिकोसील कहते हैं। जो दूसरा है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उनको हम आप लोग जेनेटिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है। ये दो याद रख ले, ये मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कास करते हैं, फीमेल के अंदर नहीं। फीमेल के अंदर अपने पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये इनफर्टिलिटी को कास कर सकते हैं, वो भी फिर दो होंगे, उस फीमेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मेल के अंदर जो मैंने बता दिए हैं यही दो है। तब जाके कहीं पूछा गया कि इनमें से कौन सा वाला है जो मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कास करता है, इन दो में से कोई भी हुआ या दोनों हुए, तो आप लोगों का फिर ये ऑप्शन होगा, फीमेल वाले फिर अपने होंगे। थैंक यू वेरी मच।